Hey, what's up guys, आ चुके एक नए फ्रेश वीडियो के साथ। एंड बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि यार डिक्स भाई हेयर ऑयल पेंट एंड फेस ऑयल पेंट पे आप वीडियो ट्यूटोरियल डालो अपने यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज, मैं अपने यूट्यूब पे पहले बार वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ हेयर ऑयल पेंट एंड फेस को कैसे ऑयल पेंट हम लोग कर पाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ऑसम सा होने वाला है। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहले भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए वॉच कर लेंगे ना, तो आप लोग अपने हेयर को एंड फेस को ऑयल पेंट करना सीख जाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही मजा आने वाला है। तो चले फिर बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो भाई लोग, हम लोग आ चुके अपने होम स्क्रीन के ऊपर। एंड आज आप लोग ना कुछ इस टाइप का हम फोटो एडिटिंग एंड हेयर ऑयल पेंट एंड फेस ऑयल पेंट सिखाएंगे, जैसे कि देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो चले फ्रेंड वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, सबसे पहले आप लोग को शेयर कर लेना होगा इस स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। एंड गाइज, शेयर करने के बाद सिंपली आप लोग को आ जाना होगा टूल्स वाले आइकन पे। एंड टूल्स वाले आइकन पे आने के बाद सिंपली आप लोग क्लिक कर देना होगा ट्यून इमेज पे। एंड ट्यून इमेज पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ से सैचुरेशन को हम लोग माइनस कर देंगे। एंड माइनस करने के बाद सिंपली आप लोग एम्बिएंस को बढ़ा लीजिएगा कुछ इस तरीके से 52+। एंड हाइलाइट्स को थोड़ा सा आप लोग कम कर लीजिएगा। एंड यहाँ से हल्का सा शेडो को बढ़ा लीजिएगा कुछ इस तरीके से +28 बढ़ा दे रहे हैं। एंड इतना करने बाद सिंपली आप यहाँ से डन कर लीजिएगा। एंड गाइज, इतना करने बाद सिंपली शेयर के बगल में एरो का निशान होगा, सिंपली आप लोग उस पर आ जाएंगे। एंड आप लोग को आ जाना होगा व्यू एडिट्स पे। एंड आप लोग को क्लिक कर देना होगा ट्यून इमेज पे। एंड आप लोग को देखिए पेंसिल वाला आइकन होगा ब्रश का, उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। एंड उस पर क्लिक करने बाद सिंपली आप लोग देखिए कट के बगल में एक सर्कल सा ऑप्शन होगा, सिंपली आप लोग उस पर क्लिक कर देंगे। एंड आप लोग फोटो को जूम कर लीजिएगा। एंड कुछ इस तरीके से सिर्फ आप लोग अपने फेस पे एंड आप लोग अपने हेयर पे अप्लाई कीजिएगा कुछ इस तरीके से ब्रश को, जैसा मैं अप्लाई कर रहा हूँ सेम उसी तरीके से आप लोग को अप्लाई करना होगा। तो चलिए फ्रेंड बिना देर के वीडियो को फास्ट कर देते हैं। सो गाइज, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग अपने हेयर को एंड अपने फेस पे एंड बैकग्राउंड पे ड्रॉ कर चुके ब्रश को। एंड गाइज, इतना करना सिंपल आगे से डन कर लीजिएगा। डन करने में सिंपल आप लोग बैक आ जाना होगा। एंड गाइज, बैक आने के बाद सिंपल आपको टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा। एंड टूल्स वाले आइकन पे आने के बाद सिंपल आपको क्लिक कर देना होगा पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पे। एंड गाइज, पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा। एंड कुछ इस तरीके से फेस देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे, उसको किस तरीके से बढ़ा लीजिएगा आप लोग 100। एंड यहाँ से देखिए स्किन स्मूथनिंग है, सिंपली आप लोग को भी इसको 100 रखना होगा। एंड देखिए, अगर आप लोग आँख में आई में क्लियरिटी डालना चाहते होंगे तो यहाँ से आप लोग प्लस में करेंगे तो आप लोग के आई में क्लियरिटी आएगा। तो आप लोग अपने फोटो के हिसाब से ज़्यादा नहीं कीजिएगा, कम ही कीजिएगा कुछ इस तरीके से +48। एंड गाइज, इतना करने में सिंपल आगे से डन कर लीजिएगा। डन करने में देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर, इतना हो गया ना। इतना होने में फिर से आप लोग को टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा। एंड आप लोग को चले जाना होगा सेलेक्टिव वाले ऑप्शन पे। एंड देखिए, जो भी आप लोग के गर्दन के नीचे थोड़ा सा सेचुरेशन होगा, ठीक है, एंड थोड़ा सा ब्लैक होगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है मेरे भाई। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा तभी आप लोग सीख पाएंगे। तो सिर्फ आप लोग यहाँ पे सेलेक्टिव को एडजस्ट कीजिएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ से थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिएगा। एंड गाइज, सेचुरेशन को थोड़ा सा आप लोग को माइनस में कर देना है ताकि हम लोग का फेस एंड गला जो भी होता है एक लेवल में हो जाए। एंड इतना करने में सिंपली यहाँ से डन कर लीजिएगा। देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर, इतना हो गया ना। इतना होने बाद फिर से आप लोग को टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा। सो गाइज, टूल्स वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोग को आ जाना होगा देखिए ब्रश वाले आइकन पे। एंड ब्रश वाले आइकन पे आने बाद सिंपली आप लोग यहाँ से क्लिक कर लीजिए एक्सपोजर। एंड यहाँ से आप लोग 0.7 पे रखिएगा। एंड कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फोटो को जूम कर लीजिएगा। एंड हल्के हाथों से आप लोग अपने फेस के ऊपर ड्रॉ कीजिएगा। एंड गाइज, जैसे ड्रॉ करेंगे ना तो बहुत ही ऑसम सा फोटो आप लोग का एडिट होगा। देखिए, जैसे कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपने फेस के ऊपर, अगर मान लीजिए आप लोग का फेस ज़्यादा ब्लैक होगा तो आप लोग 0.7 पे अप्लाई कीजिएगा। एंड ज़्यादा ब्लैक नहीं होगा तो आप लोग 0.3 पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मेरी जान, कितने अच्छे तरीके से हम लोग अपने हेयर सॉरी फ्रेंड हाथ पे एंड आप लोग अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं। एंड गाइज, इतना करना सिंपल होगा यहाँ से डन कर लीजिएगा। देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर, इतना करना फिर से आप लोग टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा। एंड सेलेक्टिव पे क्लिक कर देंगे। एंड गाइज, सेलेक्टिव पे क्लिक करना थोड़ा सा आप लोग देखिए यहाँ सेचुरेशन है, तो यहाँ से आप लोग सेचुरेशन को माइनस में कर दीजिएगा। एंड यहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिएगा ताकि एडजस्ट हो जाए। एंड गाइज, इतना करना सिंपली आपको देखिए फिर से दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर, इतना करने में फिर से आप लोग को टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा। एंड गाइज, सेलेक्टिव पे क्लिक कर देंगे। एंड आप लोग अपने हेयर पे लाइट दीजिएगा, ठीक है, एंड यहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से। एंड सेचुरेशन को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। एंड यहाँ भी थोड़ा सा लाइट कम है तो थोड़ा सा यहाँ पे भी ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिएगा। एंड यहाँ से सेचुरेशन को थोड़ा सा कम एंड स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। एंड इतना करना सिंपल यहाँ से डन कर लीजिएगा। डन करना फिर से आप लोग को टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा। एंड फिर से आप लोग को चले जाना होगा ट्यून इमेज पे। एंड यहाँ से आप लोग सेचुरेशन को माइनस कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा माइनस कीजिएगा ताकि आप लोग जो भी फेस के ऊपर सेचुरेशन होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा।
तो -6 कर दे रहे हैं। एंड गाइज इतना करना सिंपल आए से डन कर लीजिएगा। देखिए मेरे भाई बिफोर एंड आफ्टर, तो सिंपली देखिए डन के बगल सॉरी फ्रेंड डन पे क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा। एंड गाइज फोटो सेव करने बाद सिंपली आप लोग को शेयर कर लेना होगा टूल विज एप्लीकेशन के अंदर। एंड यहाँ से हम लोग शेयर कर चुके हैं टूल विज एप्लीकेशन के अंदर, जो आप लोग को मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, आप लोग वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सिंपली शेयर करने में सिंपली आपको आ जाना होगा इफेक्ट वाले ऑप्शन पे। एंड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आने पर सिंपली आपको क्लिक कर देना होगा सॉफ्ट इजमोज। एंड यहाँ से आप लोग आ जाइएगा स्क्रॉल करके 10 नंबर, ठीक है 10 नंबर पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। एंड गाइस 10 नंबर पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोग देखिए कुछ इस तरीके से फेस एंड आप लोग का हेयर हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग आ जाइएगा एम ए एस के उस पर क्लिक कर लीजिएगा। एंड यहाँ से आप लोग क्लीन कर दीजिएगा। देन गाइस क्लीन करने के बाद सिंपली आप लोग अपने हेयर पे अप्लाई कीजिएगा कुछ इस तरीके से, तो आप लोग का हेयर ऑयल पेंट में हो जाएगा। एंड अभी हम लोग का हेयर एंड फेस बहुत अच्छे से स्मूथ नहीं हुआ है, ठीक है। तो पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, आप लोग को मैं बता दूंगा सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए मेरे भाई कितने अच्छे तरीके से हम अपने हेयर पे अप्लाई कर चुके हैं। एंड यहाँ से आप लोग हल्का हल्का फेस पे भी अप्लाई कर लीजिएगा, जो भी आप लोग का गर्दन होता है गला होता है थोड़ा थोड़ा वहाँ पे भी आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए जहाँ पे व्हाइट होगा ना तो वहाँ पे आप लोग इफेक्ट को अप्लाई कीजिएगा, ताकि आप लोग का फोटो बहुत ही औसम सा लगेगा। एंड गाइज इतना करने में सिंपली यहाँ से डन कर लीजिएगा। एंड डन करने में सिंपली देखिए सेव है उस पर क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा। एंड गाइज फोटो सेव करने बाद सिंपली आप लोग को शेयर कर लेना होगा स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। एंड गाइज शेयर करने बाद सिंपली आपको आ जाना होगा देखिए यहाँ पोप, ठीक है पी ओ पी, सिंपली आप लोग उस पर क्लिक कर लीजिएगा। देन गाइज जैसे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा एंड कुछ इस तरीके से आप लोग का फेस हो जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ से डन कर लीजिएगा। डन करने में देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना सिंपली आपको टूल सेलेक्शन पे आ जाना होगा एंड सेलेक्टिव पे क्लिक कर देना होगा। एंड जहाँ जहाँ भी आप लोग के फेस के ऊपर सेचुरेशन गया होगा तो सिंपली आप लोग यहाँ से सेलेक्टिव को बड़ा कर लीजिएगा एंड यहाँ से सेचुरेशन को हल्का सा माइनस कर दीजिएगा, ठीक है कुछ इस तरीके से। एंड इतना करना सिंपली यहाँ से डन कर लीजिएगा। डन करने फिर से आप लोग को टूल सेलेक्शन पे आ जाना होगा एंड सेलेक्टिव पे क्लिक कर देंगे। एंड सेलेक्टिव पे क्लिक करने में सिंपली आप लोग अपने हेयर पे स्ट्रक्चर को बढ़ाइएगा, ठीक है कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर को बढ़ा लीजिएगा। एंड गाइज इतना करने में सिंपली यहाँ से डन कर लीजिएगा। डन करने फिर से आप लोग को टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा एंड आप लोग को क्लिक कर देना होगा ब्रश वाले ऑप्शन पे। एंड फिर से आप लोग को क्लिक कर देना होगा एक्सपोजर वाले ऑप्शन पे एंड फोटो को जूम कर लेंगे। फोटो को जूम करने में कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फेस पे ड्रॉ कीजिएगा, जैसे आप लोग ड्रॉ करेंगे ना तो बहुत ही फोटो आप लोग का गजब का एडिट हो जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आप लोग होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं एडिटिंग रिलेटेड से वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। देखिए फ्रेंड आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर वीडियो। आज करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही फुल एचडी के साथ।